उत्तर प्रदेश में दबंग सरकारी कामों में भी दबंगे दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। यह हालात तब हैं जब सूबे के मुखिया मंच से कई बार बोल चुके हैं कि प्रदेश में दबंगों की कोई जगह नहीं है और दबंगई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बावजूद इसके दबंग बाज नहीं आ रहे, जिसकी वानगी दिखी शाहजहांपुर में, जहां गुंडा टैक्स नहीं मिलने पर दबंगों ने सरकारी काम को ही न सिर्फ रोकने की कोशिश कर डाली बल्कि सड़क को ही उखाड़ डाला। अब मामला आला कमान तक पहुंचा तो दबंगों पर कार्रवाई तो होनी ही थी और हुआ भी ऐसा ही। दरअसल योगी सरकार ने सरकारी सड़क को नुकसान पहुंचाने वालों पर एक्शन लिया है। मुख्य आरोपी के घर पर छापेमारी के साथ साथ जयतीपुर पुलिस ने एक जेसीबी को भी अपने कब्जे में ले लिया, बल्कि जेसीबी के मालिक और ड्राइवर समेत 5 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी विधायक के करीबी जगवीर सिंह के 2 ठिकानों पर छापेमारी की थी, लेकिन आरोपी फरार हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी की टीम ने उखेड़ी गई सड़क की क्षति का आकलन करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक शाहजहांपुर जिले के कटरा विधानसभा इलाके के जयतीपुर दातागंज हाईवे पर निर्माण कार्य चल रहा था। 2 अक्टूबर को विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस करीबी जगवीर सिंह ने अपने साथियों के संग जाकर 400 मीटर सड़क को पूरी तरह से उखेड़ दिया और 1 किलोमीटर सड़क पर जगह जगह गड्ढे कर दिए। ये मामला इतना गंभीर माना गया कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को इस पर बयान देना पड़ा, बल्कि उन्होंने सड़क क्षतिग्रस्त करने वालों से ही वसूली करने की बात भी बोल डाली। ये मामला पूरे प्रदेश में छाया हुआ है, विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा भी बन गया है। पहले तो पुलिस इस मामले में शांत रही, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त तेवर को देखते हुए 5 अक्टूबर को 5 थाने की फोर्स ने सड़क उखेड़ने के मुख्य आरोपी जगवीर सिंह के आवास पर छापा मारा। वहीं पुलिस के मुताबिक सड़क उखेड़ने में क्षेत्र के ही रहने वाले पंचू की जेसीबी का इस्तेमाल किया गया था। जेसीबी का ड्राइवर पवन था। पंचू पवन के साथ ही सड़क उखेड़ने के मामले में सुरजीत, रामवरण, विनोद को भी गिरफ्तार किया गया है। इन सभी आरोपियों को कोर्ट में अब पेश किया जाएगा। इस मामले पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने बताया कि घटना के चलते 2 दिन तक काम बंद रहा था, हालांकि फिर से काम शुरू कर दिया गया है। क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत लेकिन बाद में कराई जाएगी। इसमें नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन किया जाएगा और उम्मीद है कि नवम्बर तक हाईवे चौड़ीकरण का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस मामले में सीएम योगी की सख्ती सामने आई और एक्शन इसके बाद हुआ, वो कहीं ना कहीं पुलिस के काम पर भी सवाल जरूर उठाता है, क्योंकि ये काम पुलिस को पहले ही करना चाहिए था, लेकिन सीएम की सख्ती के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।